बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक को, वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर। इट्स अ वेरी डिटेल्ड लेक्चर अबाउट अ कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर। सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, देन इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, एडिशन ऑफ वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, then the concept of unit vector, null vector, equal vectors, rectangular components of a vector, vector addition by rectangular components, and then we will have some practice questions. So let's take a start with the basic concepts of scalar and vector quantities. Physical quantities mein sabse pehli category to hai inki according to the nature ki ye base hoti hain aur derived quantities hoti hain. Yahi base quantities aur derived quantities phir further डिफरेंशिएट की जाती हैं या इनको फर्दर डिफरेंशिएट किया जाता है कि किन क्वांटिटीज़ को अपनी एक्सप्लेनेशन के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। वो तमाम क्वांटिटीज़ जिन्हें अपनी एक्सप्लेनेशन के लिए एक अदद मैग्नीट्यूड और यूनिट की ज़रूरत पड़े, उन क्वांटिटीज़ को हम नाम देते हैं स्केलर का। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को यहाँ पर हम स्टार्ट दे रहे हैं बिल्कुल एक रिदम, एक सीक्वेंस के साथ, कि सबसे पहले कैटेगरी है कॉन्स्टेंट्स की, जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर होता है। मैग्नीट्यूड इज सिंपली अ नंबर। इस टॉपिक में ये वर्ड मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा यूज होगा, सो इस बात पर आपने फोकस रखना है कि मैग्नीट्यूड इज सिंपली अ नंबर। फॉर एग्जांपल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज रिप्रेजेंटेड एज 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इज इक्वल टू सी ओवर वी के इक्वल है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी ओवर वी के जो इक्वल है, सेम क्वांटिटीज़ की रेशियो है। सेम क्वांटिटी की रेशियो की वजह से कोई यूनिट एग्जिस्ट नहीं करता, इट इज़ सिंपली अ नंबर। नेक्स्ट, स्केलर क्वांटिटीज़। मैग्नीट्यूड के साथ एक और क्वांटिटी का इजाफा हो जाता है कि इनको एक्सप्लेनेशन के लिए मैग्नीट्यूड भी रिक्वायर है और यूनिट भी रिक्वायर है। अब मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ जो क्वांटिटीज़ एक्सप्लेन होती हैं, उनको हम नाम देते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ का। अमाउंट ऑफ मैटर, फॉर एग्जाम्पल 5 kg, ये अमाउंट ऑफ मैटर है। इसमें आपको सिर्फ 5 नंबर यानी मैग्नीट्यूड और किलोग्राम उसका यूनिट रिक्वायर है। 37 डिग्री सेल्सियस या 38 केल्विन या फिर 10 मोल्स। तो स्केलर क्वांटिटी की एग्जांपल्स अगर आपको याद रखनी हो तो सिंपली याद रखें, ये जितनी 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, ये सब की सब स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। तो 7 एग्जांपल्स ये हो गई। बाकी आप डिराइव क्वांटिटीज़ में फिर फर्दर अपने नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए पढ़ सकते हैं कि इसमें वर्क है, पावर है, प्रेशर है, इस तरह से कई क्वांटिटीज़ हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये सब की सब स्केलर क्वांटिटीज़ कंसिडर होती हैं। फिर बात आती है वेक्टर्स की। अ वेक्टर क्वांटिटी विल बी दैट जिसे 3 इन्फॉर्मेशन चाहिए हों। लेट्स से कि हमारे पास वैल्यू ऑफ जी ये होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, बट इसकी डायरेक्शन साथ मैंशन करना ज़रूरी है कि इट्स डायरेक्शन इज डाउनवर्ड। सो 3 इन्फॉर्मेशन चाहिए, नंबर 1 मैग्नीट्यूड, नंबर 2 यूनिट एंड नंबर 3 डायरेक्शन। तो वो तमाम तर क्वांटिटीज़ जिनको अपनी एक्सप्लेनेशन के लिए कम अज़ कम 3 इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़े, दीज क्वांटिटीज़ आर नेम्ड एज वेक्टर क्वांटिटीज़। यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड, एंड दैट्स द एग्जाम्पल। तो आपने याद रखना है कि वैक्टर, मैग्नीट्यूड, स्केलर और कॉन्स्टेंट्स में फ़र्क ये है, कॉन्स्टेंट ऑनली हैज मैग्नीट्यूड, स्केलर हैव मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, एंड वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। सो यहाँ तक एक जनरल ब्रीफिंग है वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़ की। उसके बाद हम बात करेंगे फिर फर्दर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की। सो इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स पे आते हैं। अ वेक्टर हैज़ अ क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल एज यूनिट। अब आप जब भी वेक्टर्स को देखते हैं तो वेक्टर्स बेसिकली एक एरो की शेप में बने हुए होते हैं। अब एरो की शेप में ये कैसे बनाए जाते हैं और वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? वेक्टर्स की बेसिकली 2 तरह की रिप्रेजेंटेशन होती है। रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं यहाँ पे R लिख रहा हूँ। एक वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है सिंबॉलिक और एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होती है ग्राफिकल। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये है कि लेट्स से मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिखता हूँ, F इज इक्वल टू एम ए, एंड यू आर आस्क्ड कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है और कौन सी स्केलर है। सो बज़ाहिर अगर आपको एग्जाम्पलरी तौर पे नहीं भी याद कि इसमें वेक्टर कौन था, इसमें स्केलर कौन था, तो सिंबल्स के थ्रू इसको आसान बनाने के लिए
व्हाट आई कैन डू कि मैं एफ को थोड़ा सा थिक करके लिख दूं एम एज इट इज, और एज वेल एज मैं ए को भी थिकर कर दूं या बोल्ड कर दूं। अब इससे ये पता चल रहा है कि जो क्वांटिटीज बोल्ड लेटर्स में लिखी हैं वो वेक्टर्स हैं, या फिर इतना टाइम कंज्यूम नहीं करना चाहते आप तो एफ इज इक्वल टू एम ए लिख के आप हाफ एरो या फुल एरो या एक बार लगा के वेक्टर क्वांटिटीज को स्केलर से डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। अब इसमें क्लियर कट है कि देयर टू वेक्टर क्वांटिटीज एंड वन स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर बोल्ड लेटर्स या एरो ऑन द लेटर, ये वेक्टर्स की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब बात आती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है उसके लिए यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता चलूँ कि ग्राफ में वेक्टर कैसे डिजाइन होता है और एक्चुअल में वेक्टर डिजाइन होता कैसे। ये जो एरो आप यहां पर देख रहे हैं, लेट अस से कि आपको ये कहा जाता है कि 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई की गई है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब ये है मैग्नीट्यूड, ये है यूनिट, और नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री, ये है डायरेक्शन। अब मैं 20 न्यूटन को किसी पेपर पे कैसे डिसिप्लिन कर सकता हूँ, कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ। आई विल डू अ स्केलिंग अरेंजमेंट, मैं एक स्केल डिजाइन करूंगा। लेट्स से कि आई कॉल के 4 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इट मीन्स 20 न्यूटन विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो अब मैं पेपर पे 20 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 सेंटीमीटर लॉन्ग वेक्टर ड्रॉ कर सकता हूँ। यानी मैं एक वेक्टर ड्रॉ करूँगा जिसकी लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर, और मुझे पता है कि 5 सेंटीमीटर एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 20 न्यूटन फोर्स को। अब आती है बात डायरेक्शन की। एक्स और वाई एक्सिस बना के लेट से मैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये 4 क्वाड्रेंट्स बनाकर अब मुझे इस 20 न्यूटन फोर्स को 45 डिग्री पे मेंशन करना है। तो जस्ट एक अंदाजे के मुताबिक लेट से ये 45 डिग्रीज हैं, तो मैं ये 5 सेंटीमीटर लेंथ का वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ करूँगा एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो देखें स्टूडेंट्स के 20 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट 45 अब हमारे पास वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर डिस्प्लेड है। सो अ मैग्नीट्यूड हैज अ टेल, अ वेक्टर हैज अ टेल एंड एन एरो हेड। इस टेल और हेड का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है व्हेनेवर वी ऐड द वेक्टर्स या व्हेनेवर वी सबट्रैक्ट और मल्टीप्लाई द वेक्टर्स। सो वेक्टर वो क्वांटिटीज हैं जिनको मैग्नीट्यूड यूनिट और डायरेक्शन रिक्वायर है। इन्हें रिप्रेजेंट करने का एक तरीका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आप लेटर्स को बोल्ड कर सकते हैं या फिर आप उनके ऊपर एरो हेड अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि आपने जो लेंथ ऑफ द लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड को, और एरो हेड जो है ये होता है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अब हम एक कंपैरिजन करते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के दरमियान कि अब तक इनमें क्या फ़र्क हमें नज़र आता है। कि डेफिनेशन देखें तो स्केलर्स रिक्वायर मैग्नीट्यूड ओनली एज वेल एज यू कैन से दे रिक्वायर यूनिट ऑल्सो, जबकि वेक्टर्स रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ऑपरेशनिंग रूल्स है कि स्केलर्स पर एडिशन भी अप्लाई हो सकती है, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लीकेशन भी, बस सिंपल अरिथमेटिक मीन्स। इवन स्केलर्स पर डिविजन भी अप्लाई हो सकती, बट रिमेंबर वेक्टर्स पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन अप्लाई होती है, वो भी ग्राफिकल रूल्स के तहत। वेक्टर्स जो हैं ये डिवाइड नहीं हो सकते, सो कैन नॉट बी डिवाइडेड। रिमेंबर वेक्टर्स ऐड हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, इनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर्स को आपस में डिवाइड नहीं करते, क्योंकि वेक्टर्स को आपस में डिवाइड करने से ये एक दूसरे के इफेक्ट को या डायरेक्शनल इफेक्ट्स को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे बल्कि नेक्स्ट पॉइंट है भी कि डिवीजन, कि टू स्केलर्स कैन बी डिवाइडेड बट टू वेक्टर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। रिप्रेजेंटेशन, स्केलर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल लेटर्स, मास के लिए एम, टेम्परेचर के लिए केल्विन या टी, जबकि एरो हेड यूज होता है और बोल्ड लेटर यूज होते हैं वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ तक जनरलाइज करें चीज़ों को कि वेक्टर वो क्वांटिटीज हैं विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है थ्रू बोल्ड लेटर्स या एरो हेड ऑन द सिंबल। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये हेड और टेल की सूरत में रिप्रेजेंट होते हैं, और इनकी डायरेक्शन जो है वो एरो हेड के थ्रू मेंशन की जाती। स्केलर और वेक्टर्स में वाज़े फ़र्क एग्जिस्ट ये करता है कि यहाँ पर एथमेटिक
मैथमेटिक्स यूज होती है, अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, और ये स्पेशल वेक्टर अलजेब्रा जो है या ग्राफिकल अलजेब्रा वो यूज होता है। वेक्टर्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता जबकि स्केलर्स को डिवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को। व्हाट इज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम? वेरी सिंपली, आप अगर दो लाइंस परपेंडिकुलरली ड्रॉ कर दें सच दैट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नेम्ड एज ओरिजिन, देन दिस कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज नेम्ड एज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर तो दो डायमेंशंस पर मुश्तमिल है यानी एक्स और वाई, तो देन इट इज कॉल्ड अ प्लेन। और अगर इसमें एक तीसरी डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो, लेट से इफ यू ड्रॉ लाइक दिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस, इस स्ट्रक्चर को इमेजिन करने के लिए आप जहां बैठे हैं वहां किसी दीवार का कॉर्नर जो है उसको इमेजिन करें कि दीवार के कॉर्नर पे एक लाइन या फर्श का एक हिस्सा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की तरफ है, एक हिस्सा एक्स एक्सिस की तरफ है, और एक दीवार है जो ऊपर की तरफ उठ के छत के साथ कनेक्ट हो रही है। तो हम लिविंग क्रिएचर जो हैं वो लिव इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। सो प्लेन में वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है दो कंपोनेंट्स यानी एक्स और वाई के साथ, और स्पेस में वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है तीन कंपोनेंट्स यानी एक्स वाई और जी के साथ। एक प्लेन में वेक्टर के दो एंगल्स हो सकते हैं विद एक्स एक्सिस एंड विद वाई एक्सिस। मोस्टली जो एंगल सिलेक्ट किया जाता है वो किया जाता है विद एक्स एक्सिस, जबकि एक स्पेस में वेक्टर्स के तीन एंगल एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जी एक्सिस के साथ गैमा एंगल जो है वो मेंशन किया जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये बहुत अहमियत का हामिल है, इसे रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो आगे हम फर्दर डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है एडिशन ऑफ वेक्टर्स की। वेक्टर्स आर एडेड, वेक्टर्स आर सब्ट्रैक्टेड, वेक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ रूल्स जो हैं वो समझने और सुनने। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास 3 + 4 ये है इक्वल्स टू 7, या 4 - 3 दैट इज इक्वल टू 1। अगर मैं सिर्फ नंबर्स की बात करूं तो नंबर्स में 4 और 3 के साथ मेरे पास सिर्फ दो पॉसिबल आंसर्स हैं, मैक्सिमम आंसर है 7 और मिनिमम आंसर है 1। सो ये बात जहन में रखिएगा कि ये ऑपरेशन है स्केलर्स पर। क्या आई हैव टू स्केलर्स नंबर 4 और नंबर 3, इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से सिर्फ दो पॉसिबल आंसर्स हैं, आइदर 7 और आइदर 1। और ये भी जहन में रखना है कि 7 इसका मैक्सिमम आंसर है और 1 इसका मिनिमम आंसर है विद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका क्या होता है? वेक्टर्स को ऐड करने का रूल है हेड टू टेल रूल, आप सब कॉमनली जानते भी हैं। अब लेट्स से हमारे पास एक वेक्टर है एक्स और एक वेक्टर है वाई, हमें अगर फाइंड करना हो एक्स प्लस वाई और फिर फाइंड करना हो वाई प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई में आपने पहले ड्रॉ करना है एक्स और फिर ड्रॉ करना है वाई, जबकि वाई प्लस एक्स में आपने पहले प्लेस करना है वाई को और फिर प्लेस करना है एक्स को। अब आप एक चीज देखें कि अगर मैं इस वेक्टर फॉर्म को उठाकर यहां पर प्लेस कर दूं तो ये बिल्कुल इस तरीके की वेक्टर फॉर्म बन रही है, यानी एक्स प्लस वाई और वाई प्लस एक्स को ऐड करने से आंसर सेम रहेगा। उसकी बेसिक निशानदेही ये पैरेललोग्राम लॉ है कि पैरेललोग्राम लॉ इज दिस कि वेक्टर एडिशन ऑबेज द पैरेललोग्राम लॉ, एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल टू वाई प्लस एक्स। तो ये इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन है कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, इट ऑबेज लॉ ऑफ एडिशन अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ। लेकिन अब हम वेक्टर एडिशन को एक नेक्स्ट लेवल स्टेप पर लेकर जाएंगे। शुरू में एक वर्ड आया था मैग्नीट्यूड, अब मैग्नीट्यूड का वर्ड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नंबर फॉर्मेशन को भी जहन में रखिएगा, यहाँ पर मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। हमारे पास नंबर्स थे 4 + 3, आंसर वॉज 7, 4 - 3 आंसर इज 1, ये दो नंबर्स के साथ आने वाले आंसर्स। अब आपने बात जहन में रखनी है कि वेक्टर कोई भी वेक्टर है तो उसका जो मैग्नीट्यूड है जो हम फाइंड करेंगे या उसकी जो लेंथ है हम फाइंड करेंगे एक फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट से, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा। वेरी सिंपली, अगर आप वेक्टर्स को ऐड करने लगे हैं तो
ऐड करने के लिए ये फॉर्मूला आपने यूज़ करना है। अभी फार्मूला का यूज़ क्या है और इसे कैसे यूज़ करेंगे? देखिए, वेक्टर्स के दरमियान जब आपने एंगल देखना है तो वेक्टर्स को टेल टू टेल प्लेस करना है। लेट्स से ये दो पैरेलल वेक्टर्स मैं ड्रॉ करता हूँ। अब दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं और लेट्स से कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 है और एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है। ये 3 को मेंशन करने के लिए हम कोई 3 जितना वेक्टर ही बना लेते हैं, यानी लेट्स से इट्स जस्ट अ स्मॉलर बिट वन। तो दिस वेक्टर इज ऑफ मैग्नीट्यूड, ये लेंथ 4 और यू कैन से 4 सेंटीमीटर, एंड दिस वेक्टर इज ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर्स। पहली चीज़ के इस मैग्नीट्यूड के फॉर्मूला में आ रहा है कॉज ऑफ थीटा। इट मीन्स के वेक्टर एडिशन इज डिपेंडेंट ऑन द एंगल। अब पहले मैं आपको सीक्वेंस बताऊंगा कि वेक्टर्स के आपस में एंगल कैसे मेंशन होते हैं। ये 4 और 3 इस वक्त 0 डिग्रीज पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसी वेक्टर 4 और वेक्टर 3 को मैं अलाइन कर सकता हूं एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज। सिमिलरली यही वेक्टर 4 और यही वेक्टर 3 अलाइन हो सकते हैं एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज, या यही वेक्टर ए और यही वेक्टर बी अलाइन हो सकते हैं एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, यही वेक्टर ए और बी अलाइन हो सकते हैं एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्रीज, और यही वेक्टर ए और वेक्टर बी अलाइन हो सकते हैं एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्रीज। सो 0 से लेकर हम 180 डिग्रीज तक, ऑलमोस्ट 180 एंगल्स तक हम दो वेक्टर्स को आपस में ऐड अप कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि नंबर्स को ऐड करने से तो सिर्फ 2 आंसर्स आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये दो वेक्टर्स 4 और 3 ऐड करने से ऑलमोस्ट 180 आंसर्स आ सकते हैं। अब देखना ये है कि इन 180 आंसर्स में मैक्सिमम क्या आएगा और मिनिमम क्या आएगा। तो उसको थोड़ा सा समझने के लिए आपको थोड़ा सा फोकस बेहतर करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैथमेटिकली कुछ एंगल्स पर। लेट अस से कि वी आर एडिंग टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 4 एंड 3 एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्रीज। सो इट्स बेटर कि आप पहले इस फॉर्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड को 0 डिग्रीज पे सिंप्लीफाई कर लें। वी ऑल नो दैट कॉज 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। इट मीन्स दिस फॉर्मूला विल टेक अ शेप लाइक दिस, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा आएगा। टू ए बी, मैं ये फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूं। द एग्जैक्ट फॉर्मूला इज टू ए बी कॉस थीटा। सो इस चीज को अब फिर से देखें कि आर कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कैन बी रिटन एज ए प्लस बी होल स्क्वायर। स्क्वायर और अंडर रूट कैंसल, तो एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आप 4 और 3 को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट कैन सिंपली बी रिगार्डेड एज ए प्लस बी। अब रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए प्लस बी मीन्स 4 प्लस 3, इट मीन्स रिजल्टेंट इज इक्वल टू 7। सो दो बातें, 0 डिग्री एंगल है, ए प्लस बी फाइनली इसका शॉर्टकट फॉर्मूला आंसर आता है, और हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो ऐसा है कि 4 में 3 को ऐड करें तो हमारे पास मैक्सिमम आंसर आता है 7। सो इस चीज़ को आप थोड़ा सा जहन में रखिएगा कि जब हम वेक्टर्स को 0 डिग्री पे ऐड करते हैं तो वी कैन हैव अ मैक्सिमम आंसर। इस सारे फैक्टर को बिल्कुल सिंप्लीफाई करके मैं चंद पॉइंट्स में मैंशन करूँ, तो वो चंद पॉइंट्स ये हैं कि वेक्टर्स को जब आपने ऐड करना है एट 0 डिग्रीज, इसमें बहुत सी मिसालें हैं। अब उन चंद मिसालों को मैं यहाँ मेंशन करता हूँ कि लेट अस से कि वी हैव मेनी वेक्टर्स। वेक्टर ए इज इक्वल टू 5, वेक्टर बी इज इक्वल टू 12, वेक्टर ए इज इक्वल टू 9, वेक्टर बी इज इक्वल टू 6, वेक्टर ए इज इक्वल टू 10, वेक्टर बी इज इक्वल टू 10। आपसे कहा जाए कि इन सब वेक्टर्स को एंगल 0 डिग्री पे ऐड करना है, या ये सब वेक्टर्स पैरेलल हैं, बताएं इनको ऐड करने से क्या पॉसिबल आंसर आएगा, तो यू डोंट नीड टू वरी। आप सिंपली इनको नंबर्स की तरह ऐड कर दें, 5 प्लस 12 17,
9 प्लस 6 15 10 प्लस 9 20 तो जीरो डिग्री पे ये आसानी है कि एड दम जस्ट लाइक द नंबर्स. अब हम आते हैं किसी नेक्स्ट एंगल पर. लेट अस से के एंगल बिटवीन वेक्टर्स 4 एंड 3 इज नाउ 90 डिग्रीज. कि वेक्टर 4 और वेक्टर 3 के दरमियान अब जो एंगल है वो 90 डिग्रीज में है. अच्छा, ये तो ये फॉर्मेशन है एंगल देखने के लिए. अगर इनको ऐड करना है तो हेड टू टेल, यानी ये वेक्टर 4 और ये वेक्टर 3 और ये होगा रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ. सो नाउ व्हाट टू डू, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस नाउ कॉस 90. You all know that cos 90 is equal to 0. So it means ये पूरा factor 0. So आपको ज़्यादा further increase करने की ज़रूरत नहीं है. आपका जो magnitude का answer है that will a square plus b square. Now if we apply r is equal to under root 4 square plus 3 square, तो we will come up with the answer 5. कुछ देर पहले हमने जब vector को 0 degree पर add किया था, we had an answer 7. वेक्टर का एंगल जीरो से इंक्रीज करके 90 हुआ, तो वेक्टर एडिशन जो है वो आंसर, यानी 90 डिग्रीज पर जो आंसर है वो हमारे पास 5, यानी ये आंसर पहले से कम हो गया. तो इट मींस यहाँ से एक और फिलॉसफी समझ आती है कि दो वेक्टर्स के दरमियान अगर एंगल जीरो से इंक्रीज करना शुरू करता है तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाती है. अब मैंने देखें 0 से 90 तक लेकर गया हूँ, दरमियान में 89 एंगल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. इसका मतलब है कि 7 से 5 तक मजीद 89 वैल्यूज आ सकती हैं. ये तो कुछ पैक्ड एंगल्स पे आंसर्स आ रहे हैं. सो अब ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर्स के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं, यानी एक्स और वाई, ये हमेशा एक दूसरे के साथ 90 डिग्रीज पर होते हैं. सो जब भी आप वेक्टर एक्स में वेक्टर वाई को ऐड करेंगे, ये कंपोनेंट एक्स में कंपोनेंट वाई को ऐड करेंगे, तो आप ये वाला मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अगर कोई और एंगल एग्जिस्ट करता है तो फिर हम कॉस थीटा के साथ आएंगे. अब नेक्स्ट फर्दर इसी तरह एक और एंगल को टेस्ट करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल है, और वो एंगल है 120 डिग्रीज. नाउ लेट अस से कि वी हैव अ वेक्टर ए ऑफ मैग्नीट्यूड 10 एंड वेक्टर बी ऑफ अगेन मैग्नीट्यूड 10. अब अगर इन दोनों वेक्टर्स को मैं 120 डिग्री पे ऐड करूं, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि 120 डिग्री एंगल मेंशन कैसे होगा. That is the formation. कि ये एंगल देखने के लिए आपको 120 डिग्री यू मेंशन करना पड़ेगा. अब इन्हें ऐड करना है तो हेड टू टेल रूल इस वेक्टर को उठा के आप हेड टू टेल से कनेक्ट करें, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, और ये बनेगा रिजल्टेंट. अब इस रिजल्टेंट के लिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करें. आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर बी स्क्वायर अगेन 10 स्क्वायर 2ab 2 इंटू 10 इंटू 10 नो cos 120 cos 120 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2. इन शॉर्ट जब आप इसको मुकम्मल सॉल्व करेंगे तो r विल बी इक्वल टू 10. अब एक चीज की तरफ तवज्जो दिलाता चलूं, ये है वेक्टर a विच इज 10, ये है वेक्टर b विच इज 10, और ये है हमारा मैग्नीट्यूड आर विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 10. आपको बजाहिर भी नजर आ रहा है कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है. तो ये एक ऑब्जेक्टिव है और बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है. कि पहली बात, पहला ऑब्जेक्टिव किस तरह आ सकता है कि आपको वैक्टर्स को इक्वल मैग्नीट्यूड के वैक्टर्स हों, यानी दोनों की लेंथ इक्वल हो, उसे किस ऑरियंटेशन पर अलाइन करें कि उनके रिजल्टेंट की लेंथ भी किसी एक वैक्टर के इक्वल हो. So, पहला आंसर हो सकता है 120 डिग्रीज. दूसरा हो सकता है कि अगर आप
वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है और आप उन्हें 120 डिग्री पर अलाइन करते हैं, तो उनके रिजल्टेंट का आंसर या तो ए के इक्वल है या बी के इक्वल है। तो दैट इज द केस ऑफ 120 डिग्री कि अगर दो वेक्टर्स की लेंथ सेम है और आप उनको हेड टू टेल ऐड करते हैं एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्रीज, तो फिर जो रिजल्टेंट है वो भी या ए के इक्वल है या बी के इक्वल है, यानी ए और बी के इक्वल ही वो आंसर आएगा। तो ये 90 से आगे एक केस हो गया फॉर 120 डिग्रीज का। अब हम 90 से फर्दर उसी 4 और 3 वेक्टर की एग्जांपल को लेकर चलेंगे क्योंकि मुझे उसे कंक्लूड करना है किसी बेस्ट पॉइंट पर। सो रिमेंबर कि वी हैड टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 4 एंड मैग्नीट्यूड 3। नाउ लेट अस से द वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, दोनों की डायरेक्शंस एक दूसरे से ऑपोजिट हैं। एंटी पैरेलल के लिए जो थीटा है वो यूज होता है 180 डिग्रीज। तो जब इनको हम ऐड करें हेड टू टेल से तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। cos ऑफ 180 इज इक्वल टू -1। सो इट मीन्स के वी कैन हैव अ डायरेक्ट सोल्यूशन, वी विल राइट -2ab cos थीटा। सो r इज इक्वल टू अंडर रूट a माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट कैंसल, तो रिजल्टेंट का आंसर आ गया हमारे पास a माइनस बी। सो इट मीन्स के अब जब एंगल्स आपस में एंटी पैरेलल है या 180 डिग्री पर अलाइंड है तो मुझे ज़रूरत नहीं है ये फार्मूला बार बार से रिकॉल करने की, इसको अप्लाई करने की। मैं सिंपली 4 में से 3 को माइनस करूंगा एंड आई विल गेट द आंसर 1। अब यहाँ तक आपको एक क्लियर पिक्चर अगर मैं दिखाऊं तो वो क्लियर पिक्चर कुछ यूं होगी। जीरो डिग्री पर वी हैव रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी 4 + 3, यानी आंसर इज 7 एंड 7 इज द मैक्सिमम आंसर। 90 डिग्रीज पर वी हैव रिजल्टेंट लाइक दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड विद 4² + 3² अंडर रूट वी हैव एन आंसर इज इक्वल टू 5। एंड नाउ एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्रीज आर इज इक्वल टू ए माइनस बी, 4 - 3 आंसर इज इक्वल टू 1। कुछ चीजें जो आपको यहां पर अब नजर आएंगी कि एज नंबर्स 4 + 3 इज इक्वल टू 7। वेक्टर 7 कब होता है? जब एंगल 0 डिग्री हो या वेक्टर्स पैरेलल हो। 4 - 3 इज इक्वल टू 1। वेक्टर्स का आंसर 1 कब आ रहा है? जब 4 और 3 आपस में एंटी पैरेलल है। सो इट मींस यहां से एक और फिलॉसफी क्रिएट होती है कि वेक्टर्स मे बी एडेड लाइक नंबर्स, यानी ये स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि वेक्टर्स आर ऑलवेज एडेड बाय वेक्टर अलजेब्रा। बजाहिर वेक्टर अलजेब्रा नजर आ रहा है लेकिन 0 डिग्रीज पर यानी पैरेलल और 180 डिग्री यानी एंटी पैरेलल वेक्टर्स पे जो वेक्टर्स की एडिशन है वो बिल्कुल सिंपल नंबर्स की तरह हो रही। सो अगर कभी ये क्वेश्चन आए कि वेक्टर्स आर एडेड ऑलवेज बाय वेक्टर अलजेब्रा, ऑलवेज बाय सिंपल अरिथमेटिक्स, मे बी विद सिंपल अरिथमेटिक्स, तो मे बी विद सिंपल अरिथमेटिक्स इज ऑल्सो राइट आंसर कि वेक्टर्स कैन बी एडेड लाइक सिंपल अलजेब्रा। अब आप देखें कि इसी चीज को जैसे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स में 0 डिग्रीज की एग्जाम्पल्स दी थी, आपके पास अगर ये कंडीशन आए कि 6 और 9, 15, 5, 10, 2, ये तीनों वेक्टर्स 180 डिग्रीज पर ऐड हो रहे हैं, तो सिंपली सब्ट्रैक्ट दम और ग्रेटर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करना है। वेक्टर में आपने ये रूल भी याद रखना है, ग्रेटर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर दें, आंसर इज 3, आंसर इज 5, आंसर इज 8। अगर यही वेक्टर्स पैरेलल हैं तो 15, 20, 12। सो आप देखें कि इन तमाम वेक्टर्स के होते हुए ये हमारे पास मैक्सिमम आंसर्स हैं और ये हमारे पास मिनिमम आंसर्स हैं। अब इन्हीं मैक्सिमम और मिनिमम आंसर से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस क्रिएट करके देता हूं कि हाउ वेक्टर्स कैन बी ट्रीटेड। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल,
कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन और एक वेक्टर है ऑफ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन, तो इन्हें ऐड करने से कौन सा पॉसिबल आंसर है जो एग्जिस्ट नहीं कर सकता? लेट्स से ऑप्शन ए इज़ 15 न्यूटन, ऑप्शन बी इज़ 11 न्यूटन, ऑप्शन सी इज़ 7 न्यूटन एंड ऑप्शन डी इज़ 13 न्यूटन। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, आप इन वेक्टर्स को एक दफ़ा ऐड कर दें और एक दफ़ा सबट्रैक्ट कर दें। 10 और 3 को ऐड करें आंसर इज 13, 10 और 3 को सबट्रैक्ट करें तो आंसर इज 7। सो इसका मतलब ये है कि 7 से 10 तक आपका हर पॉसिबल आंसर जो है वो आ सकता है। अब 7 आंसर आ सकता है, 13 आंसर आ सकता है, तो ये दोनों ऑप्शंस एग्जिस्ट करती। 7 और 13 के दरमियान में 11 भी एग्जिस्ट करता है, तो ये आंसर भी पॉसिबली आ सकता है। सिर्फ और सिर्फ ये आंसर 15 न्यूटन जो है ये एक्सपेक्टेडली नहीं बन सकता। सो वेक्टर एडिशन में आपने फिर एक बात जहन में रखनी है कि इस सीक्वेंस को, तरतीब को हासिल करें। साइंस बेसिकली सिमेट्री का नाम है। आप जितना चीज़ों सिमेट्रिकली समझेंगे कि आप 0 डिग्री से जैसे जैसे एंगल इंक्रीज करते जाएंगे, जो मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट का वो डिक्रीज करता चला जाएगा। अब बज़ाहिर यहाँ पर एंगल्स इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन एंगल के इंक्रीज करने से जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट है इट इज़ कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग। सो यहाँ तक चीज़ों को अंडरस्टैंड करने पर अब मैं इस सारे कॉन्सेप्ट को समराइज करूँगा इस एक टेबल में कि एंगल थीटा है, एंगल थीटा की डायग्राम क्या होगी और वेक्टर एडिशन क्या होगी, जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला आप सबने देख लिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे फैक्ट में एक जनरल फार्मूला लिखा है। एंगल थीटा दो वेक्टर्स के दरमियान कोई भी एंगल हो सकता है, मैं यहाँ पे जनरल लिख रहा हूँ, लेकिन इनको ऐड करना है तो हेड टू टेल रूल से। ये हेड टू टेल रूल और ये रिजल्टेंट अप्लाई हो जाएगा। अब 0 डिग्री मीन्स बोथ द वेक्टर्स आर पैरेलल, मीन्स यू आर एडिंग दम हेड टू टेल। 30 डिग्री वेक्टर्स और ये उनके दरमियान एंगल, एंगल के लिए टेल टू टेल कनेक्शन होना ज़रूरी है। फिर एडिशन के लिए हेड टू टेल एंड दैट्स द रिजल्टेंट वेक्टर। 45 डिग्री तो ये 45 डिग्री की रिप्रेजेंटेशन है और ये 45 डिग्री पे एडिशन है और ये रिजल्टेंट। 60 डिग्री कैन बी लाइक दिस। अब 60 डिग्री पे एडिशन है तो जस्ट लाइक दैट। 90 डिग्री वेक्टर एंड वेक्टर एंड दिस वन इज़ द एंगल और यहाँ 90 डिग्री पे वेक्टर एडिशन हो जाएगी। और फिर इसी तरह 180 डिग्री मीन्स बोथ द वेक्टर्स एंड एंटी पैरेलल एंड दैट कैन बी द ओरिएंटेशन ऑफ द एडिशन। अब इन सब पे देखें कि 0 डिग्री पे हमने सिंपल सा फॉर्मूला एक्सट्रैक्ट कर लिया था कि इंस्टेड ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 ए बी वी कैन सिंपली अप्लाई ए प्लस बी एंड वी विल गेट द मैक्सिमम आंसर। 180 डिग्रीज पर हमने फॉर्मूला एक्सट्रैक्ट किया था ए माइनस बी, इट मीन्स क्या बाय ए माइनस बी वी कैन गेट द मिनिमम आंसर। सो दैट्स द सीक्वेंस के ए प्लस बी से लेकर ए माइनस बी तक वी गेट द मैक्सिमम आंसर अप टू मिनिमम आंसर। तो ये टेबल है, इसे आप आरआरएन से अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला जो 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री पे शेप लेता है ये भी यहाँ पर मेंशन है। देन वी विल कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, पहली बात कि ये एडिशन का रिवर्स प्रोसेस नहीं है। अगेन आई एम रिपीटिंग, वेक्टर एडिशन का रिवर्स प्रोसेस सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर नहीं है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में जाकर बताऊंगा कि वेक्टर एडिशन का रिवर्स प्रोसेस क्या है। सब्ट्रैक्शन भी एक तरह की एडिशन है। सब्ट्रैक्शन को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा नेगेटिव वेक्टर को। नेगेटिव वेक्टर क्या है? लेट से यू हैव वेक्टर ए एंड देन व्हाट विल बी माइनस ए, इक्वल बट ऑपोजिट। सो अगर आपको दो वेक्टर्स गिवन है वेक्टर ए और फिर एक वेक्टर गिवन है बी और आपसे कहा जाए फाइंड ए माइनस बी, तो एक्चुअली यू विल ऐड इन ए नेगेटिव ऑफ बी। अब आप ए में नेगेटिव ऑफ बी को ऐड करेंगे तो व्हाट यू विल डू, क्या आप वेक्टर ए बनाएंगे? अब बी का एग्जैक्ट नेगेटिव वेक्टर इसके ऑपोजिट होगा, सो दैट वेक्टर इज ए एंड दैट इज माइनस बी।
एंड दैट रिजल्टेंट विल बी रिप्रेजेंटिंग ए माइनस बी. सो दैट इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट कि एक्स माइनस वाई इज सिंपली रिटन एज एक्स प्लस नेगेटिव वाई. सो दिस इज वैक्टर एक्स एंड दिस वन इज नेगेटिव वाई वैक्टर. सो रिजल्टेंट इज एक्स माइनस वाई. तो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वैक्टर बाय अ स्केलर. मल्टीप्लीकेशन ऑफ वैक्टर बाय स्केलर इज सिंपल क्वान्टिटी कि आप किसी वैक्टर को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें. नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने की बहुत सी मिसालें हैं. एफ इज इक्वल टू एम ए. एफ इज इक्वल टू एम ए एक सिंपल न्यूमेरिकल सिचुएशन है जिसमें एक्सेलरेशन एक वैक्टर क्वान्टिटी है लेकिन मास एक स्केलर यानी एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई होती. सो मास के साथ एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई होगी तो फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है. अब देखें यहाँ पर एक मिसाल है कि वेक्टर ए, यहाँ पर उसकी लेंथ है 2 मीटर. अगर हम वेक्टर ए को 3 से यानी एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड 3 times इंक्रीज कर जाएगा. नाउ इट बिकम्स 6 meters. सिमिलरली अगर हम एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे किसी नेगेटिव नंबर के साथ तो -3a से उसकी लेंथ तो 6 times इंक्रीज होगी लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी. तो स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे क्या रिजल्ट आता है कि मल्टीप्लीकेशन विद पॉजिटिव नंबर इंक्रीजेस बाय नंबर टाइम्स बट डायरेक्शन रिमेन्स सेम. मल्टीप्लीकेशन विद अ नेगेटिव नंबर द मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस बाय द नंबर टाइम्स बट द डायरेक्शन बिकम्स ऑपोजिट. सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर क्वान्टिटी में और एग्जाम्पल p इज इक्वल टू एम वी है, f इज इक्वल टू एम ए है. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर बाय अ वैक्टर. नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट वैक्टर. अ वैक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इन अ गिवन डायरेक्शन. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप यूँ समझें कि ये एक वैक्टर है जिसका मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ 3. अब 3 के साथ मैं आपसे ये पूछूं कि वेक्टर किस डायरेक्शन में है तो यू वॉन्ट बी एबल टू टेल मी. रीज़न कि मैंने मैग्नीट्यूड तो मेंशन किया है लेकिन मैंने साथ डायरेक्शन मेंशन नहीं की. अब डायरेक्शंस को स्पेसिफाई करने के लिए सबसे पहले हम इन 3 डायरेक्शंस की बात करते हैं. एक्स वाई एंड जी. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस. एक्स वाई और जी में अब हमें फाइंड करने हैं यूनिट वेक्टर. तो यूनिट वेक्टर एक्चुअल में क्या है कि आप एक्स डायरेक्शन में 1 step बढ़े, वाई डायरेक्शन में 1 step, जी डायरेक्शन में 1 step. अब ये 1 step क्या है? 1 step है आपका स्केल. आपने एक्स डायरेक्शन में अगर 1 centimeter के स्केल्स बनाए हुए हैं तो 1 centimeter इज 1 unit vector, 2 centimeters 2 unit vectors, 3 centimeters 3 unit vectors. सो इसी तरह वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में अब इनके नाम देते हैं यूनिट वेक्टर्स को. एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर है उसका नाम है आई, वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर का नाम है जे. यहाँ पर मैं वेक्टर्स के ऊपर कैप डाल रहा हूँ, इसे कैप या हैट कहते हैं. ये रिप्रेजेंटेशन है यूनिट वेक्टर की. और जी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है के. सो स्टूडेंट्स अब आप पहले इस चीज़ को अच्छी तरह क्रैम करेंगे कि एक्स एक्सिस में आई यूनिट वेक्टर है, वाई में जे है और जी में के है. सो इफ आई टेस्ट लाइक दिस कि आपसे पूछा जाए कि ए वेक्टर किस डायरेक्शन में है तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर जे है. इट मींस कि ये 3 steps है वाई एक्सिस में. अगर यहाँ पे 4k हो तो इट मींस कि इट इज़ अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जी एक्सिस. अगर यहाँ पर 6i हो तो इट मींस ये वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. तो यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इन अ गिवन डायरेक्शन. ये एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन पॉइंट है. इसी यूनिट वेक्टर को मैं फर्दर अभी और एक्सप्लेन करता हूँ कि लेट अस से कि हमारे पास एक वेक्टर है ए. सिंपल ए जो है ये उसका मैग्नीट्यूड है और ये जो ए है ये उसके ऊपर यूनिट वेक्टर है. सो अब आप यहाँ से जहन में रखेंगे कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर. यहाँ से यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो तो ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. अब वेक्टर क्या है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसके लिए फॉर एग्जांपल मैं आपको एक वेक्टर प्रोवाइड करता हूँ 4i प्लस 3j.
अब ये नोटेशंस आप फर्स्टली अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 4i और 3j क्या चीज़ है, कैसे ड्रॉ होगा, तो सिंपल x और y एक्सिस, ये है वेक्टर का वो पार्ट जो x एक्सिस पर है, ये है वेक्टर का वो पार्ट जो y एक्सिस पर है। अगर यहाँ पर k भी होता किसी नंबर के साथ तो वो वेक्टर का वो पार्ट है जो z एक्सिस पर होता। अभी हम टू डायमेंशंस में यूज़ कर रहे हैं, तो 4i मीन्स 4i लेंथ ऑन x एक्सिस एंड 3i लेंथ अलोंग 3j लेंथ अलोंग y एक्सिस, सो दिस वन इज द रिजल्टेंट। सो वी हैव द वेक्टर 4i प्लस 3j, लेट्स से इट इज 5i प्लस 12j, तो 5 टाइम्स आई विल गो ऑन द x एक्सिस एंड 12 टाइम आई विल गो ऑन द y एक्सिस। सेकेंडली वी हैव मैग्नीट्यूड। अब ये वेक्टर, इसके ऊपर एरो हेड है, इस एरो हेड से आपने याद रखना है कि ये वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म में i भी होगा, वेक्टर फॉर्म में j भी होगा, वेक्टर फॉर्म में k भी होगा। जब आपसे कहा जाए इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें, तो यू विल सिंपली डू दैट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। i और j लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सिंप्लीफाई करेंगे आंसर विल बी इक्वल टू 5। सो एक वेक्टर जो 4i प्लस 3j है उसका मैग्नीट्यूड 5 है, तो ये बेसिक मैग्नीट्यूड के लिए लेंथ है, दैट आंसर इज इक्वल टू 5। अब इन दोनों इन्फॉर्मेशन को आप कैसे यूज करेंगे, अगर एक वेक्टर अपने मैग्नीट्यूड पे डिवाइड हो तो इट गिव्स अस अ यूनिट वेक्टर। अब हम इस प्रोसीजर को कंप्लीट करते हैं कि वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये यूनिट वेक्टर है या नहीं। सो आई एम राइटिंग हेयर 4i प्लस 3j डिवाइडेड बाय 5। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर एक और डीप कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये यूनिट वेक्टर कहाँ से लग रहा है, हाउ इट इज़ अ यूनिट वेक्टर इसकी डेफिनेशन पे आए। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। अब ये चीज़ बज़ाहिर 1 नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड अगर लें, यानी अंडर रूट 4/5 स्क्वायर, अलग अलग इसको डिवाइड करें, प्लस 3/5 स्क्वायर, तो यू विल गेट 25/25, आंसर विल बी इक्वल टू 1। सो हमने वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड किया, ये यूनिट वेक्टर बना, और यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो अब आप यहाँ से एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रूल याद रखेंगे हमेशा, कि जिस भी तरह का वेक्टर हो, अगर वो अपने मैग्नीट्यूड पर डिवाइड होता है तो फिर वो कंडीशन कहलाती है यूनिट वेक्टर। यानी मिसाल के तौर पर, अगर मैं i प्लस j वेक्टर को अंडर रूट 2 पर डिवाइड करूं तो इट इज़ अ यूनिट वेक्टर, क्योंकि i प्लस j का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2 होगा। लेकिन अगर मैं i प्लस j को अंडर रूट 3 पर डिवाइड करूं तो इट विल नॉट बी अ यूनिट वेक्टर, क्योंकि i प्लस j का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 3 नहीं है। तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन कि इट्स मैग्नीट्यूड इज 1, डायरेक्शन इज अलोंग अ गिवन वेक्टर, इट हैज 3 टाइप्स, फॉर x, y एंड z एक्सिस इट इज i, j एंड k, फॉर अ पोजिशन वेक्टर इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर, एंड अ नॉर्मल वेक्टर। ये मोस्टली क्रॉस प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो द डायरेक्शन ऑफ थंब गिव्स अस द नॉर्मल यूनिट वेक्टर। सो दैट्स द स्टोरी ऑफ यूनिट वेक्टर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, नल वेक्टर। नल वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। अब यहाँ पर एक और से देखें, अगर आपके पास एक वेक्टर ए है और आप उसमें एग्जैक्ट माइनस ए को ऐड कर देते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 0। अब यहाँ पे वर्ड नल वेक्टर क्यों यूज़ हो रहा है, देखिए 3+5 इज इक्वल टू 8, स्केलर प्लस स्केलर इज इक्वल टू अ स्केलर। सो वेक्टर प्लस वेक्टर शुड बी इक्वल टू अ वेक्टर, इसीलिए इस 0 को हम नाम देते हैं नल वेक्टर का। अब नल वेक्टर और 0 में क्या फर्क है, 0 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नल वेक्टर, इन दोनों में क्या रिजेंबलेंस, क्या सिमिलरिटी, क्या डिफरेंस है। देखें, हम मास में वेट को ऐड नहीं कर सकते, उसकी रीजन पहली बात, ये डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है। नंबर 2, मास एक स्केलर क्वांटिटी है और वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो यू कैन नॉट ऐड वेक्टर टू अ स्केलर क्वांटिटी। सो अगर आपसे कहा जाए कि क्या आप 0 में नल वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, द
तो आंसर इज अगेन नो. यू कैन नॉट जीरो टू अ नल वेक्टर बिकॉज नल वेक्टर इज स्टिल अ वेक्टर बट जीरो इज अ स्केलर. सो दैट्स द स्टोरी ऑफ नल वेक्टर. इट्स डायरेक्शन इज आर्बिट्ररी. सिंस इन दोनों को ऐड करने के बाद कुछ भी नहीं बचेगा तो एक इमेजिनरी वेक्टर हमारे जहन में बनेगा. उस इमेजिनरी तौर पे हम इसे आर्बिट्रेरी कंसीडर कर रहे हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट नल वेक्टर्स एंड देन कंडीशन ऑफ इक्वल वेक्टर्स. इक्वल वेक्टर्स हम उन वेक्टर्स को कहते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो, या सिंपली वो क्या हो, पैरेलल वेक्टर्स हो. अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन और इनकी लेंथ, ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए. अगर इनकी डायरेक्शन और इनकी लेंथ सेम है तो डजंट मैटर ये कहां पड़े. ये वेक्टर अमेरिका में पड़ा है, ये वेक्टर रशिया में पड़ा है, डजंट मैटर. दोनों की लेंथ और दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है तो दे आर सेट टू बी इक्वल वेक्टर्स. नाउ लिसन, ऑल द इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल. दुनिया में जितने भी इक्वल वेक्टर्स हैं वो सब के सब पैरेलल हैं. लेकिन दुनिया में जितने भी पैरेलल वेक्टर्स हैं जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हों. एक स्मॉलर लेंथ का वेक्टर और एक ग्रेटर लेंथ का वेक्टर, ये दोनों पैरेलल हैं मगर ये इक्वल नहीं है. यहां पर दोनों वेक्टर्स की लेंथ भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल, बट ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल. सो दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्वल वैक्टर्स. इसको आप और से आर एन में देखिएगा. नाउ वी कम टूवर्ड्स द पॉइंट ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वैक्टर. वट इज अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वैक्टर. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वैक्टर या इसमें रिजल्टेंट वैक्टर को पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं. हम वैक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, वैक्टर्स को ऐड करते हैं हम, ए प्लस बी करते हैं और हमारे पास आंसर आता है आर. तो R resultant vector, it is equal to A plus B. इसका formula मैं आपको पहले बता चुका हूँ, A square plus B square plus 2AB cos theta. और ये इसकी special conditions हैं और special cases हैं कि when you will add at 0 degree, 180 degree, 90 degree, 60, तो these will be the shapes of the formulas. तो इसको आप उसी पिछली slide के साथ अच्छी तरह देख भी सकते हैं. So rectangular components of a vector क्या है. अब यू इमेजिन करें कि यू हैव अ पिज़्ज़ा और आप पिज़्ज़ा के करते हैं स्लाइसेस. अब पिज़्ज़ा इज जस्ट लाइक अ वेक्टर और पिज़्ज़ा के जो स्लाइसेस हैं दीज आर जस्ट लाइक कंपोनेंट्स. सो एक पिज़्ज़ा को स्लाइसेस में चेंज किया जा सकता है या एक वेक्टर को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जा सकता है. इसे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी कहते हैं. ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ही वो चीज़ है जो वेक्टर एडिशन का रिवर्स प्रोसेस है. अब ये कैसे वेक्टर एडिशन का रिवर्स प्रोसेस है. एग्जांपल देखें गौर से. लेट से ये वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी. ये रहा हमारे पास रिजल्टेंट. अब इस रिजल्टेंट को फर्दर पहले मैं कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब करूं तो लेट अस से कि हमारे पास एक वेक्टर है वेक्टर ए. इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस. इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट. अब x और y कंपोनेंट के लिए क्या जरूरी है कि मैं यहां से एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करूंगा. ये वेक्टर की जो लेंथ है ये है अलोंग y एक्सिस और ये वेक्टर की लेंथ है अलोंग x एक्सिस. इन शॉर्ट ax बराबर होता है a cos थीटा के और ay बराबर होता है a sin थीटा के. अगर आपका एंगल x एक्सिस के साथ बने तो ax इज इक्वल टू a cos थीटा एंड ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा. यहां तक अंडरस्टैंड करने के बाद दूसरी बात जो मैं आपको बताऊंगा वो ये कि अगर आपका एंगल वाई एक्सिस के साथ आप कंसीडर कर रहे हैं तो फिर क्या चेंजिंग्स आती है. लेट्स से यू आर कंसीडरिंग एन एंगल विद वाई एक्सिस तो यू विल प्रोजेक्ट हियर. नाउ ए एक्स
विल बी इक्वल टू ए साइन थीटा एंड ए वाई विल बी इक्वल टू ए कॉस थीटा। सो डियर स्टूडेंट्स, इस बारे में आपने क्लियर रहना है कि अगर एंगल एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है तो ए एक्स के साथ कॉस थीटा आएगा, अगर एंगल वाई एक्सिस के साथ आपने कंसिडर किया है तो ए एक्स के साथ साइन थीटा इन्वॉल्व हो जाएगा। सो ये कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज इज इफेक्टिव वैल्यू इन अ गिवन डायरेक्शन। एक्स एक्सिस में कंपोनेंट ए एक्स है, वाई एक्स में कंपोनेंट ए वाई है, तो अगर आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है और एंगल पता है तो आप उसका कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। एक्स कंपोनेंट बाय ए कॉस थीटा, जनरली हम ए कॉस थीटा लेते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक, तो ये तब जब थीटा एक्स एक्सिस के साथ है और ये कंडीशन तब जब थीटा वाई एक्सिस के साथ है। तो ये तो कंडीशन हो गई कि जब हम इसका एंगल चेक करते हैं एक्स और वाई एक्सिस के साथ। नेक्स्ट, कि आपको अगर कंपोनेंट्स गिवन हो, यानी लेट अस से कि यू हैव अ वेक्टर एंड यू आर गिवन विद कंपोनेंट्स, यू नो ए वाई, यू नो ए एक्स, बट यू नो दो, यू डोंट नो थीटा एंड यू डोंट नो ए। तो सिंपली अगर आपने ए फाइंड करना है तो परफॉर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर आपने थीटा फाइंड करना है विद एक्स एक्सिस तो टेन इनवर्स वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एक्स कंपोनेंट। सिमिलरली फिर वही बात कि अगर थीटा वाई एक्सिस के साथ कैलकुलेट करना है तो अप्लाई टेन इनवर्स एक्स कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वाई कंपोनेंट। तो ये थोड़ा सा फर्क पड़ता है कैलकुलेशंस में। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, कि आपने दो वेक्टर्स को ऐड करके एक रिजल्टेंट बनाया था, अब आप इस रिजल्टेंट के फिर से कंपोनेंट्स बना देंगे तो आपने गोया उस वेक्टर को दोबारा से उसके वेक्टर ए और वेक्टर बी में चेंज कर दिया। तो रिमेंबर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन। एंड नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन, एक्स एक्सिस में ए एक्स है, वाई एक्सिस में ए वाई है, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब वेक्टर लिखने का तरीका भी ये है, आप वेक्टर लिखेंगे तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट्स में उसको मेंशन करेंगे, एक्स कंपोनेंट ए कॉस थीटा है और वाई कंपोनेंट ए साइन थीटा है। एंगल फाइंड करना है तो डिवाइड ए वाई बाय ए एक्स, लेकिन याद रहे कि ये एंगल विद एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस का एंगल के लिए आप इसी रेशियो को रिवर्ट कर दें, यानी ए एक्स ऊपर और ए वाई नीचे प्लेस कर दें। अब की पॉइंट्स हैं कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स किस किस तरह से आप इनके बारे में ध्यान में रख सकते हैं। बात है रिवर्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मैक्सिमम पॉसिबल कंपोनेंट्स आर टू, मैक्सिमम पॉसिबल कंपोनेंट्स आर, मैक्सिमम पॉसिबल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यहां पे ऐड कर लें, मैक्सिमम पॉसिबल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर टू एंड मैक्सिमम पॉसिबल ऑल कंपोनेंट्स आर इनफाइनाइट, क्योंकि बहुत से कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, सिलेंड्रिकल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो एक वेक्टर के बहुत से कोऑर्डिनेट सिस्टम में बेशुमार कंपोनेंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो मैक्सिमम पॉसिबल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर टू एंड मैक्सिमम पॉसिबल स्पेस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर थ्री। अगर स्पेस में थ्री डायमेंशन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे तो उनकी अमाउंट जो है वो थ्री होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे बात अबाउट वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट ये है कि हमने अब तो पढ़ा ना कि वेक्टर्स ए में वेक्टर बी को हम ऐड करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब हमने ये भी पढ़ लिया है कि हम वेक्टर के कंपोनेंट्स भी बना सकते हैं, उसका एक्स कंपोनेंट और उसका वाई कंपोनेंट। सो वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एक्चुअल में ये टॉपिक है कि आप दो वेक्टर्स को अगर ऐड अप करते हैं तो एक्चुअल में उसके एक्स कंपोनेंट में एक्स को ऐड करते हैं और उसके वाई कंपोनेंट में वाई को ऐड करते हैं। यहाँ पे कुछ प्रोसीजर पहले आप देखेंगे कि पहले स्टेप वन क्या है कि आप एक्स और वाई कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे ऑल गिवन वेक्टर्स। ये गिवन वेक्टर 100 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं। फाइंड एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, फाइंड वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो स्टेप्स याद रखेंगे, सबसे पहले
गिवन वेक्टर्स के कंपोनेंट्स, फिर रिजल्टेंट वेक्टर के एक्स और वाई कंपोनेंट्स, फिर आप मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे रिजल्टेंट का, और फाइनली आप फाइंड करेंगे डायरेक्शन। अब इन सब स्टेप्स को हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में ब्रीफली देखते हैं कि देखें, ये हमारे पास है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। अब अगर हम कंपोनेंट्स ड्रॉ करें तो ये वेक्टर ए से प्रोजेक्शन ड्रॉ की तो ये वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट और ये वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट। बी वेक्टर से भी हम इसी तरह प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, प्रोजेक्शन ड्रॉ करके हम बी जहां से स्टार्ट हो रहा है उस पॉइंट को भी हाईलाइट कर लेते हैं। तो दिस वन इज बी एक्स एंड दिस वन इज बी वाई। अब ए से बी तक एडिशन में जा रहा है रिजल्टेंट। सो देखिए, रिजल्टेंट की जो लेंथ है वो अलोंग एक्स एक्सिस कहलाएगी आर एक्स, अलोंग वाई एक्सिस वो कहलाएगी आर वाई। अब अगर आप गौर से देखें तो आर एक्स इज एक्चुअली इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई। सो व्हेन वी विल राइट द इक्वेशन फॉर रिजल्टेंट वेक्टर, आर रिजल्टेंट वेक्टर इज आर एक्स आई प्लस आर वाई जे, तो आर एक्स की जगह हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी एक्स, आर वाई की जगह हम लिख सकते हैं ए वाई प्लस बी वाई, यानी एक्स कंपोनेंट विल बी एडेड टू बी एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ए विल बी एडेड टू वाई कंपोनेंट ऑफ बी। यहां तक हमने लिख लिया वेक्टर, यहां पे मैं मेंशन भी कर रहा हूं दैट इज द वेक्टर फॉर्म। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई बी वाई स्क्वायर, सिमिलरली जैसे इसको यूं लिखा गया है आर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। अब आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, आर एक्स की जगह एक्स प्लस बी एक्स, आर वाई की जगह ए वाई प्लस बी वाई। सिमिलरली एंगल फाइंड करना है, यानी डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो डायरेक्शन के लिए वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एक्स कंपोनेंट, यानी डायरेक्शन यू फाइंड की गई है टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। तो ये बात या कहानी सारी आर और उसके इर्द गिर्द कंपोनेंट्स पे चलती है। जनरल फार्मूला फिर ये है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं तो जैसे ए एक्स प्लस बी एक्स दो वेक्टर्स के लिए, ए एक्स प्लस बी एक्स सी एक्स तीन वेक्टर्स के लिए हो जाएगा। मैग्नीट्यूड है तो उसमें उतने ही वेक्टर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, एंगल है या डायरेक्शन है तो उसमें फिर उतने ही एंगल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ तक है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब हम आते हैं, बात करते हैं एंगल और क्वाड्रेंट्स की। सबसे पहले एक की कॉन्सेप्ट ये जहन में रखिएगा कि आपका वेक्टर किसी भी क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। आपने वेक्टर का एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही मेंशन करना है। आप इस डायग्राम को गौर से देख के समझ सकते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा, एंगल थीटा, एंगल थीटा एंड एंगल थीटा, तमाम तरह एंगल मैंने मेंशन किए हैं विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। लेकिन पहली बात, अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपका वेक्टर किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? उसकी निशानदेही आपको करेंगे वेक्टर के साइंस। वेक्टर साइंस के लिए अब लेट से एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि ये क्वाड्रेंट बनाते हैं एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव। आपके पास एक वेक्टर है 4i प्लस 4j, एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव है वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव है, एक्स और वाई पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सो दिस वेक्टर विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट कैन बी द वेक्टर। आपके पास कंडीशन है माइनस 4i प्लस 4j, आपका वेक्टर एक्स कंपोनेंट नेगेटिव है वाई कंपोनेंट पॉजिटिव है, सो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव इज फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट। वेक्टर है माइनस 4i माइनस 4j, दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट, 4i माइनस 4j, x इज पॉजिटिव y इज नेगेटिव द क्वाड्रेंट इज फोर्थ। सो स्टूडेंट्स, जब भी कोई वेक्टर आपको नजर आएगा उस वेक्टर को देखकर, उसके साइंस देखकर आप अंदाजा लगाएंगे किस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आर एक्स आर वाई दोनों पॉजिटिव, सेकेंड के लिए आर एक्स नेगेटिव आर वाई पॉजिटिव, थर्ड के लिए आर एक्स नेगेटिव आर वाई नेगेटिव, और फोर्थ के लिए आर एक्स पॉजिटिव और आर वाई जो है वो नेगेटिव कंसिडर होगा। यहाँ तक तो बात होगी कि वेक्टर को आपने पहचानना कैसे है, किस क्वाड्रेंट में है। नेक्स्ट, अब हम क्वाड्रेंट्स पे आए तो किस क्वाड्रेंट में वेक्टर कैसे एग्जिस्ट कर रहा है और उसका एंगल आप कैसे फाइंड करेंगे।
यहाँ पर आसानी के लिए मैं आपको ये बताता चलूँ कि टेन इनवर्स वन ये इक्वल होता है 45 डिग्रीज के, ये बात आप जरा ध्यान में रखेंगे। अब लेट अस से कि आपका वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप वेक्टर जो हम यूज कर रहे हैं लेट से ये है 4i प्लस 4j, 4i प्लस 4j 5 फाइंड करेंगे तो हम फाइंड करेंगे tan इनवर्स, y कंपोनेंट जो 4 है और x कंपोनेंट भी 4 है, 1 tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यही एंगल फाई है और इसी एंगल को हम थीटा कहेंगे क्योंकि थीटा बनेगा विद पॉजिटिव x एक्सिस। सो देखें स्टूडेंट्स पहले क्वाड्रेंट में एंगल 45 डिग्री आ रहा है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए मैं इस एनोटेशन को सारा रिमूव करता हूं। अब वेक्टर पहली बात किस फॉर्म में होगा, वेक्टर होगा माइनस 4i माइनस 4j, लेट्स से कि ये वेक्टर बन गया। अब आप यहां से प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पर, तो ये जो एंगल है इसे हम नाम देंगे फाई का, जबकि वेक्टर का पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल होगा थीटा। अब आप एक चीज देखें कि कंप्लीट एंगल ये होता है 180 डिग्रीज। इस 180 डिग्रीज में से अगर हम एंगल फाई को माइनस कर दें, यानी ये चीज ये सारी चीज अगर हम 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे ये पार्ट, तो पीछे बच जाने वाला पार्ट कहलाएगा थीटा। तो देखें सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आपने 180 में से फाई को माइनस करना। अब फाई बेसिकली क्या था, फाई फिर वही टेन इनवर्स 4/4। अब याद रहे कि आपने वेक्टर्स को जब एंगल फाइंड करना है तो आपने सिर्फ डिजिट्स को यूज करना है, आपने उनके साइंस नहीं उठाने। टेन इनवर्स 4/4 इज इक्वल टू 1 एंड टेन इनवर्स 1 विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। सो वी हैव थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 5 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री मीन्स कि ये एंगल 45 डिग्री है, 180 में से आप 45 को माइनस कर देंगे तो रेस्ट ऑफ द एंगल यानी 135 इज द एंगल मेड विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहां तक दो सॉल्यूशंस आपने याद रखने हैं कि अगर वेक्टर आपके पास बन रहा है पहले क्वाड्रेंट में तो थीटा ही फाई के इक्वल है, अगर वही वेक्टर आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आप थीटा फाइंड करने के लिए यूज करेंगे 180 माइनस 5, और सिमिलरली कि अगर आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है तो द आंसर विल बी 180 प्लस 5, और नेक्स्ट फर्दर आ जाएगा कि अगर आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए देखें कि आपके पास ये वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है। अब पूरा एंगल सर्कल का है 360, ये हिस्सा आप दरमियान से फाई कंसीडर कर लें वेक्टर का जो एंगल है। अब आप 360 में से इस फाई को माइनस कर दें तो यू विल गेट द आंसर थीटा। सो ये चारों क्वाड्रेंट्स हैं, चारों क्वाड्रेंट्स के एंगल्स में यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि थीटा इज इक्वल टू फाई फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 5 फॉर थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस 5 फॉर फोर्थ, थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस 5। ये चारों एंगल्स जो है